नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सुखविंदर जी आए हैं। एक तो इनको बच्चे देने दोस्तों, एक आज वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताना है। जब कबूतरों की उड़ान होती है तो कबूतरों का वेट कम हो जाता है। वो वेट को कबूतर के वेट को गेन कैसे करना है, वेट बढ़ाना कैसे है। जिस कबूतर का वेट कम हो जाता है वो अपनी पूरी उड़ान नहीं दे पाता, उसका वेट हमने प्रॉपर कैसे उसका वेट गेन करना है, तो वो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों। स्पेशली जब उड़ाने होती हैं कबूतरों की तब ये दिक्कत आती है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा इस विषय में वीडियो बनाओ, काफ़ी कमेंट्स हुए आए व्हाट्सएप पर, मुझे मैसेज किया काफ़ी दोस्तों ने। तो आज सुखविंदर जी आए थे बच्चे लेने, इन्होंने बुकिंग करवाई थी दोस्तों 7 बच्चों की। आज इनको कौन कौन से 7 बच्चे देने हैं आपको ये बताएंगे। और ये एक उड़ान का मेन पार्ट है जो मैंने आज आपको बताना है। मुझे नहीं लगता आज तक ये किसी ने बताया होगा। जब हम इसको जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप कबूतर पर अप्लाई करोगे, कबूतर आपका पूरा हेल्दी होगा और उसका जो आप खुराक दोगे उसको पूरी फायदा करेगी और उसका वेट गेन होगा। जब हम उसको उड़ाएंगे तो वो 2-4 घंटे अपनी उड़ान बढ़ा जाएगा। क्योंकि कोई भी कबूतर है या कोई जानवर है, अगर वो अंदर से तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, तो अपनी फिर ही उसका रिजल्ट मिल पाएगा हमें। तो आ जाओ पहले सुखविंदर जी से बात करवाते हैं। तो सुखविंदर जी, क्या हाल आपका? बढ़िया जी। तो कितने बच्चों की बुकिंग करवाई थी आपने? 7 की। 7 बच्चों की उन्होंने बुकिंग करवाई थी। आज इनका नंबर आ गया है। तो बच्चे आपने अपनी पसंद से लिए? हाँ जी, कुछ अपनी पसंद से, कुछ आपकी पसंद से जी। दोस्तों मैंने इनको कह दिया था जो आपको पसंद है वो ले लो, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में 4 बच्चे अपनी पसंद से लिए हैं, बाकी 3 इन्होंने कहा मुझे डॉक्टर साहब आप अपनी पसंद के निकाल दो। तो कोई भी दिक्कत आपको किसी भी तरह की मेरे पास आने में या बुकिंग करवाई थी, कोई पैसे में या आपको बच्चों में कोई दिक्कत? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं, नहीं जी। आप पहले मुझे जानते थे जब आपने बुकिंग करवाई? नहीं जी, फर्स्ट टाइम आपने मेरे अकाउंट में पेमेंट डाली। हाँ जी। ये दोस्तों पहली बात मैं आपसे बतानी चाहूँगा, ये फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसीलिए हम आज इनसे ये तो पूछ नहीं सकते आपके पास पहले कैसे उड़े हमारे बच्चे। तो ये बताओ आप आए कैसे, कहाँ से आपको मेरे बारे में पता लगा? मैं जी कुछ कबूतर बात है अच्छे जी, टूर्नामेंट जीते हैं जी जी, उनसे पूछा मैंने भी अच्छे कबूतर कहाँ से। उन्होंने कहा जी मैं आपका नाम दिया, बब्बू गाइड से ले। कोई लेकर गया मुझसे जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो या कहीं देखा हो उनका कबूतर उड़ता? नहीं, हमारे तो यहाँ कोई नहीं ले गया जी। अच्छा, मैं टूर्नामेंट में बाहर जाते थे जी, वहाँ तो उड़ते वहाँ लगा। नहीं, वो आप कहाँ कहीं आपने टूर्नामेंट में मेरे कबूतर यहाँ से कबूतर गया किसी से बात की अब कभी? नहीं जी। अच्छा, कभी नहीं बात की? कभी बात। ठीक है ठीक है। तो आपने YouTube पर ही देखा मुझे? हाँ जी। और YouTube पर ही आपको पता लगा? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आज दिखाते हैं सुखविंदर जी को कौन से बच्चे देने हैं, और जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, आप कॉपी पेन उठा लें। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताजो इस तरह की आपको वीडियो आगे भी मिलती रहे। एक बार मुझे आप कमेंट कर जरूर बताएं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। आपने पहले सुना था, अप्लाई किया था अपने कबूतरों पर कि नहीं किया, ताजो मुझे पता लगे जो मैंने आज आपको बताया है उसका आपको कहां तक फ़ायदा हुआ है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें कौन कौन से अच्छे प्लेयर हैं जिनको पहले ही नॉलेज है, और कौन कौन से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नए कबूतर रखे हैं जिनको नॉलेज कम है, तो उस तरीके से मैं वीडियो उस लेवल पर वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे किन किन दोस्तों को पता था ये जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है, किस तरीके से देना है। जैसे मैंने बताया वैसे ही दे रहे थे आप कि किसी गलत तरीके से दे रहे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। ये दोस्तों भूरा बच्चा है, इसका रिंग नंबर 44744B4474, रिंग नंबर भी आपको दिखाएंगे। जो मेरी कबूतरी रंजीतगढ़ उड़ी थी दोस्तों B167, उसका बच्चा है B
764 उसका ये बच्चा है, चंडीगढ़ साइड मैंने इसका भाई दिया था 2 साल पहले, गगन लवलान, उसके पास इसकी बहन, इसकी बहन थी वो लाल कबूतरी थी, लाल भी निकलती हैं, वो वहां फ्रिज जीती थी, ठीक है जी, इसकी बहन थी वो। और ये इसका रिंग नंबर है दोस्तों 4474। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सुखविंदर जी किसी भी बच्चे की रिंग तो नहीं कटी है? नहीं जी। किसी भी बच्चे की रिंग तो नहीं कटी? नहीं जी नहीं। जिसकी कटी हुई मुझे बता देना, ठीक है। फोर फाइव जीरो थ्री बी 4503 बी 4503 वाइट आइज मोमियन ओक। दोनों कुंदेल थोड़े थोड़े लाल और पूछ, और जो इसका रिंग नंबर है, रिंग तो नहीं कटी कहीं से? नहीं। उतार कर देख लो उतरेगी? नहीं नहीं। ठीक है जी। फोर फाइव जीरो थ्री इसकी नस्ल बताने वाली रहेगी थी आपको। 4503 बी 2248 नंबर टैले वाली कबूतरी मेरी, जो 3 बाजियां उड़ाई थी, 2 विनर रही है, उसकी पट्टी है मेरे पास बी 3309। आंख में टीर है, वो मकोई है, माँ उसकी माँ पीलिया की है, और ये उसका बच्चा है, ये टैले वाली नस्ल का बच्चा है वाइल्ड आइज का, ठीक है जी। माँ इसकी पीलिया की है, ये खुद सफेद आंख का, उसकी माँ टीरी है, दोनों आंखों काली और थोड़ा सा उसमें आंख में टील। बिल्कुल वाइट, वाइट आइज। डबल 483 कबूतर मैंने शेर सिंह वाले उड़ाया था, वहां वो चैंपियन रहा था, उसकी बहन का बच्चा ये पुनू वाली नस्ल का वाइट आइज। ओके ठीक। एक पंख काला कुंदो में, पूछ में पंख काला, और दूसरी तरफ भी एक पंख काला। और वाइट आइज जो रिंग नंबर है इसका बी 4460 4460। कबूतरी मैंने झोटी वाले उड़ाई थी दोस्तों, उसकी बहन है 1050 नंबर, ये उसका बच्चा है। सुखविंदर जी को मैंने ये कहा था, कोई भी बच्चा पकड़ लो सबका रिजल्ट आएगा, यही बात हुई थी ना, कोई फर्क लग रहा बाद में? नहीं जी। इन्होंने कहा आप खुद पकड़ दो, मैंने कहा मुझे खुद भी रजिस्टर से देखकर फिर ही पता लगेगा कौन कौन सा। ब्लैक आईज वाइट चोंच, बिल्कुल वाइट बच्चा।
बिल्कुल वाइट। और 4462 बी 2248 बब्बू 151 जो चौधरी वाले जीती टैले वाली नस्ल की, उसका भाई है ये, उसका बच्चा मेरे पास, ये मकुआ है और बाप इसका पीली आँख का ही। ठीक है जी, बिल्कुल वाइट ब्लैक आईज। बिल्कुल व्हाइट ब्लैक आईज। ब्लैक आईज व्हाइट चोंच। रिंग नंबर 4491। एक दोस्तों मैंने वीडियो डाली थी जो मेरे व्हाट्सएप पर मेरे साथ जो है ना दोस्त, एक लड़का लेकर गया था मुझसे कबूतर, अभी नाम मैं भूल गया ब्लैक आईज का, ये उसका भाई है, उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। पहले दिन बराबरी कर वो बच्चा अगले दिन दूसर में गुम हो गया था। ठीक है जी, ये उसका भाई है, यानी कि घर पर 12-13 घंटे की उड़ान है इनकी। ठीक है जी, वो वीडियो भी आपको शायद आपको मिल जाएगी, या मेरी फेसबुक पर मिल जाएगी, या मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगी। ब्लैक आईज का टैले वाली नस्ल का जो बच्चा है ये उसका भाई है। अभी अगर मैं देख कर तो आपको बता सकता हूँ, अभी फिर वीडियो शुरू कर दी, पहले मेरे दिमाग में नहीं आया, नहीं मैं उसकी पूरी डिटेल आपको बता देता। ठीक है जी, लेकिन जो दोस्त मेरे साथ व्हाट्सएप पर ज्वाइन है उनको मैंने वो वीडियो शेयर जरूर करी थी। ठीक है जी, अगर दोस्तों यूट्यूब पर मुझे वीडियो मिल गई उनकी तो मैं वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा। ठीक है जी, अगर यूट्यूब पर डाली होगी ना, हाँ जी, तो मुझे याद नहीं है, तो मैं उसका लिंक जरूर दे दूंगा। ठीक है जी, वो भी आप देख सकते हो, वो बच्चा इसका भाई होगा। ओके, ब्लैक आईज। बिल्कुल वाइट। फोर फाइव टू थ्री टैले वाली नस्ल का बच्चा दोस्तों, ये बस वही जो कबूतरी बी 2248 उड़ी थी, उसका एक और भाई है मेरे पास, ये उसका बच्चा है। ठीक है जी, तो ये थे दोस्तों जो बच्चे हमने देने हैं, दिए हैं सुखविंदर जी को। ठीक है जी, तो अब जैसे आपसे प्रॉमिस किया मैंने, जब दोस्तों आप उड़ान शुरू कर देते हो ना कबूतरों की, तो क्या होता है, एक वादा करो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे जरूर अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको पता था कि नहीं पता था, ताँ जो थोड़ा मेरा हौसला बढ़े और आगे से मैं ऐसे फॉर्मूले आपको बताता रहूँ। ठीक है जी, तो मुझे इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा तो मुझे होने वाला नहीं है, अगर आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दोगे, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी बात नहीं अच्छी लग रही। तो जब आप कबूतर को उड़ाते हो, एक हफ्ता रेगुलर उड़ाना होता है, कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा रेगुलर कबूतर को उड़ाना है, वो चलो लंबी बात चली जाएगी। रेगुलर जब उड़ाते हो कबूतर के, जो अंदर गर्मी पड़ जाती है, उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपने अगले दिन कबूतर को रेस्ट दे देनी है। ठीक है जी, 5-6 दिन उड़ाकर उसको अगले दिन रेस्ट दे देनी है। जिस दिन रेस्ट दोगे दोस्तों, रात को ये आपने सूखा हमला है, और इसका एक ये पीस है, एक पीस आपने इसका ये एक पीस ले लेना। अब
दोस्तों ध्यान से सुन लो, कई बार दोस्त क्या करते हैं, वीडियो अच्छे से देखते नहीं हैं, वीडियो को कर देते हैं स्किप, वहाँ पर मेरा नंबर दिया होता है तो जल्दी जल्दी नंबर घुमाते हैं, ठीक है जी। तो जो बात मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखी होती है वही रिपीट कर कर पूछ लेते हैं। अगर किसी चीज़ का नहीं पता लगे ज़रूर पूछो, लेकिन जो मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखी है उसको वहीं सुन लो आप अच्छे से, ठीक है जी। तो ये एक टुकड़ा दोस्तों, आपने 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अपनी उड़ान ले ली है रेगुलर, 6 तारीख की शाम को आपने ये 20 ml पानी में भिगो देना है, रात को 7-8 बजे भिगो दो। अगले दिन सुबह उठ के 7 बजे 20 ml पानी को अच्छे से मसल लो इसको, उसमें अच्छे से मिक्स कर लो पूरा अच्छे से। इतना ही बड़ा टुकड़ा लेना दोस्तों, 20 ml पानी लेना एक कबूतर के लिए। सुबह 7 बजे आपने ये क्या करना है, सुबह उसको अच्छे से छान कर सुबह 7 बजे दे देना है। 20 ml पानी क्या होगा आपका, 8:30-9:30 बजे 9:30 के करीब, ये डिपेंड ऑन द कबूतर, किसी का जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, किसी का थोड़ा लेट डाइजेस्ट होगा। जब ये डाइजेस्ट हो जाए पानी, सिर्फ पानी देना बाकी फेंक देना, जब वो पानी डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद उनको आपने जो बादाम है वो डाल देने हैं। तो दोस्तों देखोगे आप, एक तो उड़ान बढ़ जाएगी और दूसरा जो कबूतर की सेहत है पूरी हेल्दी हो जाएगी, पूरा नीचे से वो कबूतर लाल हो जाएगा, वजन बन जाएगा उसका, उसके बाद कितनी भी उड़ाने ले लो कबूतर सूखे में नहीं आएगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो जब तक आपकी उड़ान का टाइम आएगा तब तक कबूतर को दिक्कत आ जाएगी, कोई ना कोई हरी बीट हो जाएगी, ये हो जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो ये था दोस्तों फॉर्मूला जो हमने आपको अपना समझ के बताया। अगर आपको सही लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भी सही लगा, हमें पहले मालूम था। अगर आपको नहीं मालूम था ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, हमें नहीं मालूम था आपने बताया तो चलो धन्यवाद करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे भाई हो, धन्यवाद करने की तो ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद की जगह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, और अगर हो सके अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और सुगेंद्र जी कुछ कहना चाहोगे आप? चले बब्बू भाई, बते बच्चे ले गया हूँ, उड़ाऊंगा, देखूंगा, फिर ले जाऊंगा। और जब ये दोबारा आएंगे दोस्तों तो इनके साथ वीडियो जरूर शूट करेंगे, अगर उड़ेंगे रिजल्ट आएगा तो सुखविंदर जी दोबारा आएंगे, नहीं तो इतनी दूर से आए हैं, पहले पैसे दिए मुझे और आज इतनी गर्मी में आए, ठीक है, इतनी दूर से आए तो मुझे लगता दोबारा नहीं आएंगे। अगर रिजल्ट मिला जरूर आएंगे और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, सही है सुखविंदर जी? सही है ना? बिल्कुल। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के लिए दोस्तों आपका थैंक यू। नमस्ते दोस्तों।